गाइस, ये हमारी बालकोनी से बेडरूम की बालकोनी है अपना ईस्ट साइड में। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। सामने मेट्रो लाइन है और आज शाम को दिवाली पार्टी है और पार्टी के लिए ऑलरेडी अरेंजमेंट शुरू हो चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि ये नीचे चेयर्स लगा दी हैं इन्होंने। तो यहाँ दिवाली के अपना डांस पार्टी है और उसके बाद डिनर है। आगे हम एक्स ससुराल और अभी एक्स नहीं है। अभी एक्स नहीं है क्योंकि अभी ससुराल वाले आए हुए हैं। अभी जाएंगे नीचे, आपको मेन्यू दिखाता हूँ स्पेशली बटर चिकन का, ठीक है ना। और बच्चे को अभी भी बुखार नहीं, हमने जस्ट चेक किया था। यू गुड? यस। कूल गाइस, देखो किसने ये सब बनाया हुआ है। हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। ये एंट्री पे किया हुआ है। ये देखो, वाओ कितना सुंदर है। बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं बनाने। हम लोग भी रंगोली बनाते हैं वैसे। और एक सेकंड, पैन बंद कर रहा था। तो हम लोग भी रंगोली बनाते हैं वैसे, लेकिन इस बार हमें थोड़ी टेंशन हो रही थी काशु को लेके। बट अब हम प्लान करते हैं। अभी आपको थोड़े से ना रंगोली के डिजाइन दिखाता हूँ जो हमने आज तक बनाए हैं। ये प्रिसिशन से करता है सब कुछ, तो ये ड्रॉइंग अच्छी बना लेता है तो मैं फिल कर देती हूँ। बट हाँ, शुरुआत मैंने ही की थी, अदरवाइज उससे पहले कभी हम कुछ नहीं रंगोली बनाई। बताना हमारे डिजाइन कैसे थे। और इस बार का आपको तो दिखाऊंगा थोड़े टाइम में, बस आप जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ेगा आपको दिखी जाएगा हम क्या बना रहे हैं। तो यार, एक ससुराल में अब जल रहे हैं दिए। हाँ, तो यहाँ पे भी हम शगन कर रहे हैं, जैसे अभी अपने घर में दिए लगाए थे अब यहाँ लगा रहे हैं छोटी दिवाली के। हाँ, छोटी दिवाली के। और कल है बड़ी दिवाली। हाँ, और कल लगाएंगे हम दिल्ली वाले घर में। आज हम अपने गुड़गांव वाले घर में कर रहे हैं। तो गाइज, जो व्लॉग के स्टार्टिंग में एक आवाज सुनाई दी थी ना आपको, वो किसकी थी अब आप थोड़ा पहचान सकते हो। गाइज ये देखिए, नीचे ना पूरा माहौल बना हुआ है दिवाली का। एक न्यू ईयर और दिवाली है जिसमें ना, ये देखिए, सब लोग इकट्ठे होते हैं। नानू नानी काशु के चले गए हैं नीचे और हम काशु की वेट कर रहे हैं। बस उसे एंटीबायोटिक खाना है, बस वो खा ले। एक्चुअली ना अभी उसने ना सॉलो करना सीखा है दवाई को, तो मंशा इज ट्राइंग हर बेस्ट। मतलब मैंने तो कर ली अपनी पूरी ट्राई। ओह सॉरी सॉरी। ओ गाइस, ये ना इरिटेट हो रही है, मतलब शी इज गेटिंग कॉन्शियस। एक्चुअली अभी वी आर ट्राइंग हर बेस्ट यार, बट बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है बच्चे के साथ, बहुत ज़्यादा। आज सुबह आई लॉस्ट माई पेशेंस, आई स्कोल्डेड हर विच आई शुडंट हैव। कभी कभी हो जाता है, ठीक है, बट ठीक है, अभी वी आर ट्राइंग हर बेस्ट यार। खा ले बस किस तरह से। यहाँ पे गरबा रखा गया था, ये देखिए गाइस। गाइज एक बार हो गई है पूरी फैमिली इमोशनल नीचे जाने से पहले, और सब कर रहे हैं ग्रुप हग। ये बच्चे ने ना बहुत ज़्यादा हमारा किया है, बट अब ठीक लग रहा है मुझे। अभी भी एंटीबायोटिक ले लिया है, अब हम जा रहे हैं नीचे। गाइज आपको दिखाते हैं नीचे क्या पार्टी चल रही है। चलिए जा रहे हैं हम नीचे, देखते हैं क्या है नीचे अरेंजमेंट सारा। देखिए निकलते ही ये रंगोली हो गई है, जो आ रहे थे उस टाइम पे कंप्लीट हो गई है।
गाइस एक्सप्रेसो कॉफी, बचपन की शादियां याद आ गई यार। ये देखो गाइस, कॉफी मिलेगी भैया। गाइस मैंने तो ले लिया कॉफी और अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ काफी बैठ गए हैं दोनों और ये देखिए अभी मचने वाला है बहुत ज्यादा शोर। मजा आ रहा है। इसी चीज के लिए मैं आया था यहाँ पे, इसी को खा के मेरी आत्मा को चैन मिलेगा। तो गाइस काशो तो खाएगी घर का खाना और हम वापस एक बार आ गए हैं झूला झूलने यहाँ पे। अभी ये लोग गए हैं ऊपर काशो के लिए खाना लेने, तब तक हम झूले झूल रहे हैं और बच्चा एकदम फिट एंड फाइन है। गाइस थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन फॉर ऑल योर प्रेयर्स। अभी बच्चा एकदम सही चल रहा है, मतलब एंटीबायोटिक भी खा लिए हैं इसने और कोई बुखार नहीं आया बहुत देर तक, नहीं तो 3 दिन से शी वॉज कंटिन्यूसली इन फीवर। बहुत डर लग रहा था क्योंकि यही नहीं पता लग पा रहा था ना गला ख़राब है ना डेंगू है ना करोना है, कुछ भी नहीं है, बट बुखार क्यों आ रहा है यार कुछ समझ नहीं आया अभी तक। बट टच वुड गाइस, हाँ इसे कहते हैं मिस्टीरियस बुखार। और दाल मखनी है, पनीर है और सब्जी है। मेरा तो एम भाई वहीं पे ही है बटर चिकन पे। तंबोला होने वाला स्टार्ट, इसका रिकॉर्ड है हमेशा जीतती है। गाइस मंशा खिला रही है काशू को खाना और मैं खिला रहा हूँ अपने आप को और हाँ मंशा को। काशू का खाना हो गया ख़त्म। रोटी की ना यहाँ बहुत मारा मारी है, बट गाइज मुझे मिल गया सोर्स रोटी का। लेट्स सी इफ आई कैन गेट फ्रेश गर्मा गर्म रोटी फ्रॉम दैट साइड। किसी को नहीं पता है रोटियाँ यहाँ बन रही हैं, मैं चुपचाप आके यहाँ से ले जाऊँगा। गाइस बहुत ही गर्म है मंशा एकदम फ्रेश हम तंदूर। और एक हरी फ्रेश नान जो मैं अभी तंदूर से निकाल के लेके आया हूँ। सो मच, भगवान तुम्हारा भला करे, इतना यम्मी लग रहा है ना इस टाइम गरम गरम तंदूर से निकला पराठा ये नान। मूंग दाल हलवा देख लीजिए बहुत ही प्यारा है, मैं तो ओवरलोड कर लिया, देखिए कटोरी से भी बाहर गिर रहा था। गाइस थैंक्स अ लॉट, यहाँ बैठ के मुझे पता लगा हमारे 900 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। यस थैंक्स एवरीवन एंड थैंक्स टू द सेठी फैमिली जिन्होंने शाउट आउट दिया यार, हमारा बहुत ही अच्छा लगा हमें, मतलब मज़ा ही आ गया अभी 900 सब्सक्राइबर्स देख के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस 100 मोर टू गो गाइस, इट्स ऑल ऑन यू, प्लीज़ हमें सबको सब्सक्राइब करिए। तो अभी शुरू होने वाला है तंबोला का सेशन, आपको दिखाते हैं कौन जीतता है। आई होप हम लोग जीते हैं, स्पेशली ये वाला बच्चा। गाइस 900 सब्सक्राइबर्स की कॉफी की चुस्की ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। चीयर्स। 43 43। गाइस मंशा का फुल हाउस हो गया, लोग चिल्ला रहे हैं भोगी भोगी। 71 73 89 जीत गई है मंशा फुल हाउस और उसे बोल रहे हैं कि डांस करने के बाद ही पैसा मिलेगा। So the prize goes to very good काशी मंशा की मंशा पूरी हुई। यहाँ पे भी हाउस जीत गए हम, एक बंदा जरूर जीत के जाता है हम में से तीनों में से, और आज मंशा जीत गई है। पिछली बार इन्होंने उधार लिया था सेठी के यहाँ पे और ये जीती थी और आज हमने उधार की टिकटें ली और हम जीते हैं। तो गाइस अभी ऊपर आए हैं वापस, ये देखिए एकदम 98.6 से नीचे है, कोई बुखार नहीं है हमारे बच्चे को। तो बच्चा इज हैप्पी, मम्मा पापा आर हैप्पी, कल मिलाएंगे दिवाली मजे से। और मंशा जी भी है तंबोला
₹50 दिए थे, ₹200 लेके वापस आए हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, है ना। चलो गुड नाइट। बस ऐसे ही बच्चा ठीक रहे कल भी, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अब सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। अब कल सुबह दिवाली मनाते हैं अपनी आराम से। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज का व्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं। कब का स्टार्ट हो चुका है रात से, और देखो नानू को अपना ब्रश नहीं मिल रहा। क्या हुआ नानू, मिल गया? ओके, अभी मैंने स्टार्ट किया तो मेरे से, अरे मेरा ब्रश नहीं मिल रहा जो मैं बोलने वाली थी, तो मैंने फिर से मनाया। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर वंडरफुल विशेज, आई होप दे वर्क्ड ऑन मी, एंड वेरी वेरी मच थैंक यू। I really love you a lot and thanks for the best wishes. Good morning, Nanu. Good morning. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Very good. Papa, good morning. How's the duty? Good morning. Happy Diwali, everyone. Happy Diwali. Good morning, Mom. Good morning, everyone. Happy Choti Diwali. छोटी दिवाली नहीं है, हैप्पी दिवाली। इट्स द रियल दिवाली रियली। ये मेरी दिवाली है, ये प्यारी सी दिवाली। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर गुड विशेस। मेरे बच्चे को आप लोगों ने सबने ठीक कर दिया। थैंक यू गाइस, आज ये बहुत बहुत बेटर फील कर रही है, एंड थैंक्स टू ऑल योर लवली विशेस यार। और हैप्पी दिवाली सबको। आज बस अभी हम जाएंगे बाहर, माला खरीदेंगे जो घर पे टांगनी है, उसके बाद घर जाके रंगोली के डिजाइन ढूंढते हैं भाई, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और पापा मेरे और आंटी आंटी के पास ऑलरेडी एक प्लान है, हम क्या बनाने वाले हैं साथ में। अच्छा, एक रंगोली आपकी सेपरेट होगी? हाँ, मैं और आंटी आंटी टीम वर्क करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। आज कंपटीशन होगा आज के रंगोली में, ठीक है। मैं और मम्मा और आप और आंटी आंटी। गाइस देखिए, पीछे अब हेजी हो रहा है या क्या हो रहा है, पटाखों की पोल्यूशन से हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट जो भी है ये हैप्पी दिवाली यार। हैप्पी दिवाली एवरीवन। ये सिर्फ इसी टाइम पे होता है, बट ठीक है यार। ये वाले मम्मी पापा को करते हैं विदा, ये जाएंगे अब दिल्ली वापस दिवाली मनाने। हम जाते हैं अब दिवाली, अब हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और वहाँ जाएंगे हम वापस अपने घर। रास्ते में बहुत बड़ा टास्क है जो आपको बताया है, मालाएं लेनी है। आ गए हम यहाँ पे मार्केट में मालाओं वाली, ये देखिए। गाइस फाइनली इस जंगल से निकल गए, ये देखो लूट मचा रखी है। वैसे दिवाली वाले दिन 1300 रुपए की दी है, 20 मालाएं और 20 पत्ते अशोका के। आगे भाई घर हम, और ये एज यूजुअल सुबह सुबह आ गए हैं सारे के सारे, और हम तो अपना मामला लेके आ गए थे। हैप्पी दिवाली, ये लो। थैंक यू। हैप्पी दिवाली आरजी। पापा जागे हुए हैं? कॉफी पी रही है। अच्छा, आ जाओ। हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। अरे हैप्पी दिवाली है आज, हैप्पी होली है, होली है, होली। चलो फिर रंग लगा देता हूँ आपको, ठीक है, आ जाओ। दादू कह रहे हैं हैप्पी होली है, हैप्पी दिवाली दादू। मेरी ऐश्वर्या है, मेरी ऐश्वर्या बोल रहे हैं। हैप्पी दिवाली सबको। गला देख लो इनका, बैठ गया पूरा, मिठाई खाई है, कुछ भी नहीं होता, चलो गला ही बैठा है, कुछ नहीं होता। तो आज होने वाला है मामा चैलेंज, टीम्स हैं मैं और मंशा और काशु और आरजी। अच्छा। रंगोली कंपटीशन होने वाला है आज। अच्छा, हाँ देखते हैं किसकी रंगोली अच्छी है, आप जज बन जाओ। वी विल बी द विनर्स। आप और आरजी आंटी अपना फोन में कोई भी डिजाइन ढूंढ लो, मैं और मंचा अपना डिजाइन ढूंढ लेंगे, ठीक है।
पहले चौक ले लेना, चौक से डिजाइन बनाना। आप आइडिया मत दो मामा, बिल्कुल भी चौक तो देने ही है मैंने यार, आइडिया नहीं देने ना आप उनको, क्या पता वो सीधा वैसे ही है बेचारे, चौक और फुट्टा तो उन्हें भी दूंगी। नहीं 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 गाइस, यहां मीटिंग बैठी हुई है आरजी और काशी की। अच्छा ठीक है, ये अपना डिजाइन चूज कर रहे हैं और मैंने और मंशा ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है अपना रंगोली डिजाइन, आपको एक मस्त बना के दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा एक नया क्रिएटिव आइडिया आया दिमाग में और थैंक्स टू मंशा, उसने ही दिमाग में डाला है मेरे।